हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग? आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तीन ज़बरदस्त पॉइंट आपको दूंगा जिसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आप किसी को भी अपनी यादों में पूरी तरह से डुबो सकते हो, पूरी तरह से पागल कर सकते हो, वो बस आपको ही याद करेगा। यकीन नहीं होता तो इनका इस्तेमाल करके आप देखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जब भी आप करोगे इंस्टेंट बेसिस पे तत्काल आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये पॉइंट सुपर स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इनका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना, अपनी सूझबूझ के आधार पर करना। ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करना क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपके पार्टनर का रूटीन बिगड़ सकता है, डेली रूटीन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो इंसान अपने लक्ष्य से भटक सकता है। क्योंकि 24 घंटे किसी को अपनी याद में डुबो कर रखोगे, और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैंने थंबनेल पे बस ऐसे ही नहीं लिखा है कि 24 घंटे किसी को अपनी यादों में डाल दो, एक्चुअल मैं ऐसा करके दिखाने वाला हूँ। मैं आपको ऐसे ज़बरदस्त वेपन्स दूंगा जो आपके खाते में ऐड अगर होंगे तो कभी भी ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, इसकी ज़रूरत भी कभी कभी लाइफ में पड़ती है, तो आपको हम एक एक करके समझाते हैं। ओके, बहुत ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना अगर ये लेकर जाना चाहते हो अपने साथ। तो पहला पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें करने की आदत बनानी होगी, खासकर उस टाइम फ्रेम में जब ऐसा चाहते हो, तो ऐसी चीज़ें करो जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही है। अच्छा, किन चीज़ों को हम अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं? दो पैरामीटर हैं। पहली चीज़ है कि जिसकी उम्मीद ना की जा रही हो, ठीक है, कि हाँ ऐसा हो सकता है, और दूसरा है कि फ्लो में ना हो वो। जैसे कोई भी चीज़ आप अगर करते जा रहे हो तो उसका अगला क्या हो सकता है वो उसका पिछला निर्धारित करता है ना। और एक हो सकता है कि संभावनाओं के आधार पर, कि पिछला तो निर्धारित नहीं कर रहा है लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं वैसा हो सकता है। तो ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो हम उनको अनएक्सपेक्टेड थिंग्स या वेज कहते हैं। ओके, तो आपको मैं अब एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि ऐसी चीज़ें करो जिसकी उम्मीद नहीं है। जैसे आप मान लो कॉल पर हो, ठीक है, आपकी कॉल पर बातें चलती जा रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात चलती जा रही है और रोमांटिक बातें चल रही हैं। सपोज़ करो कि रोमांटिक टॉक में हो और वहाँ पे बहुत ही सीरियस मोड आया। ओके, सीरियस मोड का मतलब आप समझ रहे हो। तो जब वैसा आया और वहाँ पे अचानक सडन आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, आपने किया नहीं, हो गया, ठीक है, जब सडन स्विच ऑफ हो गया तो फिर आपका पार्टनर ट्राई करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, पूरा मोड ऑफ हो गया। तो अब इससे क्या हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड था, इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। ओके, तो अगर ऐसा हुआ तो अब इससे क्या होगा कि आप जो है बहुत देर तक सामने वाले के माइंड में सस्टेन करोगे। एक बात ध्यान रखना, डजंट मैटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो हमको मतलब है साइकोलॉजी से, हमें सामने वाले के दिमाग में सस्टेन कराना है खुद को। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जो एक जड़ है वो बहुत ही गहरे बन जाएगी और आप वहाँ से निकलोगे नहीं उसके दिमाग से। तो एक तो एग्जांपल मैंने ये दिया आपको, या फिर जैसे मान लो कि मैंने स्विच ऑफ का एग्जांपल दिया, ऐसे ही मान लो कॉल पे बातें चल रही हैं और अचानक से कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है या जो भी है उसको सुन लो, लेकिन फिर भी जैसे सपोज करो कि आपकी डेली बातें एक घंटे होती हैं, ठीक है, तो आप जो है सिर्फ 5 मिनट में टॉक को ओवर करते हो, बोलते हो कि ठीक है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना है। तो ये अनएक्सपेक्टेड हो गया एक तरीके से, क्योंकि एक रूटीन था कि हम एक घंटे बात करते हैं लेकिन सिर्फ 5 मिनट हुआ। ऐसे ही बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप क्लोज हो, पास में हो, ठीक है, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि पब्लिकली आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। वल्गरिटी नहीं फैलानी है, एक शालीनता के दायरे में आप पब्लिकली अगर चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो तो आपका पार्टनर उम्मीद नहीं करता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अच्छे वे में भी की जा सकती हैं, हमेशा बुरे वे में मत सोचना, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट बहुत ही वास्ट है, इस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, 6 घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। अब आपको हम बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट। ओके, वीडियो लंबा हो जाए तो माइंड मत करना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देकर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो दूसरा पॉइंट है स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक्शन को स्टार्ट करना है, कुछ दूर तक लेकर जाना है, फिर उसे स्टॉप कर देना है, छोड़ देना है, आराम से साइड हट जाओ, मतलब स्टॉप कर दो। और जब स्टॉप करोगे तो उसे भी थोड़ा आगे लेकर जाना है, कुछ देर तक उसे सस्टेन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से स्टॉप करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना, स्टार्ट के बाद स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट स्टॉप और स्टार्ट है ना, ट्रिपल एस।
अब किस मात्रा में हम स्टार्ट करेंगे और किस मात्रा में स्टॉप करेंगे, ये आपको समझना ज़रूरी है। जैसे मान लो कि आप जो है एक चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने पार्टनर को जो है 7 दिनों तक लगातार चॉकलेट देते हो, ठीक है, फिर उसके बाद 7वें दिन से बंद करते हो, ठीक है, और फिर 7 दिनों के लिए स्टॉप कर देते हो, ओके। फिर उसके बाद जो है आप स्टार्ट करते हो तो 7 दिन और स्टार्ट करते हो, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना, अब अगला जो स्टॉप होगा वो 7 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 7 दिन आप पहले गैप कर चुके हैं, तो सामने वाले की साइकोलॉजी, उसका माइंड ये कहता है कि 7 दिन तक तो गैप नॉर्मल सी बात है, ठीक है, तो वो यादों में नहीं जाएगा, पैनिकनेस में नहीं जाएगा, इसलिए आपको 7+ जाना होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। थोड़ा टेक्निकल है, मैथमेटिकल है, लेकिन क्या करें, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, तो वो मैं पैटर्न आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला गैप जो है ज़्यादा बड़ा होगा, भले ही स्टार्ट छोटा हो लेकिन गैप पिछले की तुलना में ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टार्ट, इसमें अगर जो है आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो आपको जवाब मिलेगा कि स्टॉप आपने किया 7 दिन के लिए, अगला स्टॉप आपका रहा 14 दिन, ठीक है, या सपोज करो कि 10 दिन रहा, ओके। तो ये 7+ है ना, तो अनएक्सपेक्टेड हो गया ना, क्योंकि अगला ये 7 से ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि 7 से जब ज़्यादा हुआ तो अनएक्सपेक्टेड में चला गया ना, कि हमको तो लगा था कि 7 दिन तक ही गैप होगा, उसके बाद वापस ही आने वाला है, बट ऐसा ना हो के ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड भी हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टार्ट, फिर से आपको स्टॉप करना होगा। तो ये जो है एक सीक्वेंस में एक चलता रहता है, तो इसको आपको इस्तेमाल करना है जब आप किसी को पूरी तरह से अपनी यादों में डुबो देना चाहते हो, तब इसका इस्तेमाल करना, ठीक है। आप किसी भी चीज़ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब आपको हम बताते हैं 3rd पॉइंट के बारे में। ओ भाई साहब, ये तो इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सुपर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, टाइम साइकिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। टाइम साइकिल का इस्तेमाल, ये प्योर साइकोलॉजी का इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल जिसने भी किया, कभी भी जो है असफल नहीं हुआ है, 110% रिजल्ट दिया है। आपको करना क्या है, सिंपली जो है टाइम साइकिल का यूज़ करना है। कैसे? जैसे फिर से एक एग्जांपल मैं पकड़ता हूँ कॉल का, ओके। मान लो कि आज आपने कॉल किया है रात में 9:05 पे, करेक्ट। तो फिर क्या करना है, अगले दिन भी, ओके, आपने जो है घड़ी की सुई आपको जो है जहाँ पे आके क्लिक करा रही है वहीं पे कॉल करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आज आपने 9:05 पे कॉल किया है, कल भी 9:05 पे ही कॉल करना है, उसके नेक्स्ट डे भी 9:05 पर ही कॉल करना है, उसके अगले दिन भी 9:05 पर ही कॉल करना है। ऐसा आपको कंटिन्यूस फ्लो में करना है 21 डेज तक। अगर आप इस टाइम साइकिल का यूज़ कर लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब भी 9:05 पे घड़ी की सुई आएगी, जब भी उस वो टाइम साइकिल जब भी वहाँ पे पहुँचाएगा घड़ी की सुई को, तो यकीन मानो सामने वाले का दिमाग उसको क्लिक करा के बताएगा कि ये टाइमिंग क्या है, और वो आपकी यादों की तरफ पूरी तरह से उसको झोंक देगा, और पूरी तरह के तरह से आपका पार्टनर याद करने लगेगा। मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है। जैसे कि कुछ भी हो, जैसे लोगों को कफ हो जाता है, तो जब खांसी आपको आती है, तो पर्टिकुलर जब घड़ी की सुई वहाँ पे आती है, तो उस वक्त आपको ज़रूर वो याद दिलाती है कि आपके आपकी बॉडी में क्या हरकत आपने किया था या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा माइंडसेट है, ये सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया टाइम साइकिल का यूज़ करो, ठीक है, कोई भी चीज़ है बिल्कुल टाइम पे करो। जैसे मैंने कॉल का बता दिया, जैसे आप अपने पार्टनर से मिलने जाते हो, तो डेली बेसिस पे अगर जाना है तो बिल्कुल एक टाइम चुनो और उसी टाइम पे जाओ, ठीक है। आप अपने पार्टनर को मैसेज करते हो तो ठीक एक टाइम चुन लो, कोई भी टाइम चुन सकते हो, और ठीक उसी टाइम पे, ठीक है। कोशिश करो कि 1 मिनट भी इधर उधर ना हो, और उसी टाइम पे मैसेज सेंड करो, जाना चाहिए। ऐसा करके जब टाइम साइकिल का यूज़ करोगे, तो होगा ये कि जब भी वो टाइम साइकिल उस सुई को वहाँ पे पहुँचाएगा, जब भी उसकी घड़ी में इतना बजेगा, मतलब सबकी घड़ी में जाहिर सी बात है टाइम जोन के अकॉर्डिंग, तो अगर उतना बजता है, तो फिर डेफिनेटली सामने वाले का माइंड जो है आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, चाहे वो कितना भी किसी चीज़ में एंगेज हो, या फिर वो शो क्यों ना रहा हो, वो नींद में भी होगा ना, तब भी उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिमाइंडर की तरह याद दिलाएगा कि जो है ये टाइम किस चीज़ के लिए था, क्या होता था इस टाइम पे, क्या करते थे तुम, ठीक है, या क्या मिलता था आपको। तो ये चीज़ है, टाइम साइकिल का यूज़ आप कर सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, आई होप
इसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा या शायद मैंने तो पहले नहीं बताया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और एंड में एक कमेंट है, आई थिंक एक मिनट, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, खैर तो एक कमेंट मैंने पिक किया है, ये है नदीम राजा, ठीक है, नदीम राजा, इन्होंने जो है भाई ने बोला है कि सर आप मेरा नाम ले लो वीडियोस में तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए, क्यों नहीं। तो नदीम राजा और इन जैसे ढेरों सारे हमारे चाहने वाले सब्सक्राइबर्स सबको जो है थैंक्स, आपने इतना सपोर्ट किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, तो आप मुझे कॉल मी फोर एप्लीकेशन के थ्रू कॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, उस पर ये पूरा सर्च मार देना lovintercity@cm4, और जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, वहाँ पर आईडी मिल जाएगी और मुझे कॉल कर सकते हो, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।